अगर आपने अपना प्लॉट खरीद लिया है और आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। फॉर दोस्त हु डोंट नो, आई एम लाइबा एंड यू आर वॉचिंग घर प्लान्स। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है जिन्होंने प्लॉट खरीद लिया है, जो अपनी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से गुजरने लगे हैं और जिन्होंने ऑलमोस्ट अपना आर्किटेक्ट हायर कर लिया है। सो द राइट टाइम टू वॉच दिस वीडियो इज जब आप अपने आर्किटेक्ट के पास डिस्कशन करने के लिए जा रहे होंगे या अगर आपने इन फ्यूचर इस प्रोसेस से गुजरना है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। हमारे पास जब लोग आते हैं मोस्टली तो उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या करवाना चाह रहे हैं, उनके पास सिर्फ अपने घर की डायमेंशंस होती हैं। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस एंड द क्लाइंट्स टू बी ऑन द सेम पेज। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली आपने अपने आर्किटेक्ट के साथ डिस्कस क्या करना है। आर्किटेक्ट को आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपना लाइफ स्टाइल बताना है। लाइफ स्टाइल बताना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये मत भूलें कि अगर आप सही तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपना लाइफ स्टाइल आर्किटेक्ट को बता देंगे तो आर्किटेक्ट भी उसको बेहतर तरीके से समझ के आपके लिए जिस तरह का आप चाह रहे होते हैं, जिस टेस्ट का काम आप चाह रहे होते हैं, वो आपके सामने ला सकेगा। रिमेंबर दिस कि डिज़ाइन करना आपका काम नहीं है, यू हैव टू बिलीव ऑन द एक्सपर्ट्स फॉर दैट। सेकेंडली, सारी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो जाती हैं लेकिन अगर आप अपनी वर्किंग और अपनी प्लानिंग पहले से कर लेंगे तो आपको अपनी भी प्रेफरेंसेस का पता चलेगा और अपने भी टेस्ट का रियलाइज होगा एंड देन ही आप अपना भी टाइम सेव कर सकेंगे और अपने आर्किटेक्ट का भी। तो सबसे पहले आपको वो लिस्ट दिखा देती हूँ, वो पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के ऊपर, उसके बाद बात करेंगे बेसमेंट की, बेसमेंट बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। थर्ड बात होगी ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट्स, आपको क्या पता होनी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर की आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और आपने किस तरह से वो आर्किटेक्ट को कम्युनिकेट करनी है। देन हम थोड़ी सी रूफ टॉप के ऊपर बात करेंगे, रूफ टॉप कंस्ट्रक्शन जो है दैट इज़ अनदर गुड पॉइंट जो कि आप ऐड कर सकते हैं अपने घर के अंदर। देन लेआउट और कनेक्शंस के ऊपर बात होगी। देन सेवेंथ पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी दैट इज़ गोइंग टू बी कि कौन इस घर में रहेगा, ये भी आपने अपने आर्किटेक्ट को बताना होता है। इंटरैक्टिव स्पेस फॉर योर फैमिली, आप घर में किस तरह से उस ऐसी स्पेसेस बना सकते हैं जहाँ आप और आपके फैमिली मेम्बर्स इंटरैक्ट कर सकें। उसके बाद हम बात करेंगे मेहमानों के ऊपर, वो गेस्ट अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो उस हिसाब से आपने किस तरह से प्लान करना है, और अगर कम गेस्ट आते हैं तो उस हिसाब से कैसे करना है। किचन के ऊपर थोड़ी सी बात होगी और इलेवेंथ पॉइंट जो है वो हमारे पास लेजर एक्टिविटीज़ का होगा। ट्वेल्थ पॉइंट में हम एंटीक्स और आर्ट वर्क के ऊपर बात करेंगे, अगर आपके पास रेफरेंस इमेजेस हैं तो उसको आपने किस तरह से आर्किटेक्ट को दिखाना है और कम्युनिकेट करना है। देन सीलिंग के ऊपर बात होगी, रेंट और रीसेल के ऊपर भी बात होगी, टाइमलाइंस को हम डिस्कस करेंगे एंड इन द एंड हम पेमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के ऊपर। ऑफ कोर्स आपके आर्किटेक्ट जो है वो आपको बेहतर तरीके से इस बारे में गाइड कर सकता है लेकिन आपको भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और अलग बे थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए। बिफोर मीटिंग द आर्किटेक्ट, अगर आपको ये आइडिया हो जाए कि आपको कौन सा डिज़ाइन स्टाइल आप प्रेफर करना चाहते हैं अपना घर बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल विक्टोरियन है, मॉडर्न है, मिनिमलिस्टिक है या ब्रूटल वगैरह, तो आपका डिज़ाइन स्टार्ट से ही फोकस्ड होगा और वो एलिमेंट्स यूज़ हो जाएंगे जो आपके प्रेफर्ड स्टाइल को डिफाइन करते हैं। अगर आप इस बारे में कंफ्यूज हैं तो आपने अपने आर्किटेक्ट के साथ आराम से बैठ के ये डिस्कशन करनी है कि आपको क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और आप किस लेवल की डिटेल्स उसमें ऐड करना चाहते हैं। सेकंड बात करते हैं बेसमेंट की। ये एक ऐसा सवाल है जो कि हमें भी बहुत ज़्यादा आता है कि बेसमेंट बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, बेसमेंट बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं एंड ऑल दैट। सो जब आप अपने आर्किटेक्ट के पास डिस्कशन के लिए जाएंगे सो मेक श्योर कि आप ये पहले से ही डिस्कस कर लें कि आपने बेसमेंट बनानी है या नहीं बनानी। आप अपने आर्किटेक्ट के साथ अपना बजट शेयर करें ताकि वो बेहतर तरीके से आपको इस बारे में गाइड कर सके। या अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि होम थिएटर या गेम रूम वगैरह जो कि बेसमेंट बना के ही पूरी हो सकती हैं, तो वो भी आपने पहले से ही उसको कम्युनिकेट कर देनी है। इसके अलावा आपने अपने आर्किटेक्ट के साथ अपने बजट कंस्ट्रेंट्स शेयर कर लेने हैं सो दैट उनको पहले ही पता हो कि कौन कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट्स आपके घर में आ सकती हैं और कौन सी नहीं अकोमोडेट हो सकती। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि बजट कंस्ट्रेंट्स तो हैं लेकिन उसके साथ साथ आपने प्लॉट की डायनामिक्स और जियोग्राफिकल लोकेशन को भी ज़रूर देखना है।
सेल्फ असेसमेंट कैलकुलेटर के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक भी मैं ऊपर शेयर कर रही हूँ। उसमें बेसिकली आपको ये पता चलेगा, आप खुद कैलकुलेट कर सकेंगे, असेस कर सकेंगे कि आपको अपने प्लॉट में बेसमेंट बनानी चाहिए या नहीं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ ग्राउंड फ्लोर रिक्वायरमेंट्स। मोस्टली लोगों को ये पता होता है कि उन्हें घर में कितने और कौन से रूम्स चाहिए और अपने प्लॉट साइज के मुताबिक उन्हें इस चीज़ का आइडिया भी होता है, बट यू नीड टू प्रायोरिटाइज दैम। आपने अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक अपने घर की प्लानिंग करनी है और अपने ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट्स अपने आर्किटेक्ट को बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आपको मैं बहुत सिंपल अंदाज में बताऊँ कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं और आपको पता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, सो योर आर्किटेक्ट नीड्स टू नो दैट, ताकि लेआउट प्लान में फॉर एग्जाम्पल वो हो सकता है कि क्योंकि आपके घर बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो वो पोर्च से आपके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस एक दे दे, एक अंदर से तो होती है लेकिन एक एंट्रेंस जो है एक दरवाज़ा वो पोर्च से भी लगा दे। सो अगर आप ये चीज़ें अपने आर्किटेक्ट को कम्युनिकेट करेंगे तो वो बेहतर तरीके से आपके लाइफस्टाइल के मुताबिक आपके ग्राउंड फ्लोर का प्लान बना सकेगा। सो आप ये आइडिया कर लें कि कौन से रूम्स हैं जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, जैसे कि ड्राइंग रूम है, पाउडर रूम वगैरह, एंड वो कौन से रूम्स हैं जो कि अगर जगह बचेगी तो आप नीचे मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो वो आराम से आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोर है या सर्वेंट क्वार्टर है। नेक्स्ट है वो सब स्पेसेस जो आपने फर्स्ट फ्लोर में बनानी है। कुछ चीज़ें पहले से आपकी डिसाइडेड होनी चाहिए कि अगर स्टोर है तो वो कितना बड़ा होना चाहिए, अगर सर्वेंट क्वार्टर आपने बनाना है तो उसकी अगर प्रोविजन करनी है तो वो कौन से फ्लोर पर होगी। वैसे तो सर्वेंट क्वार्टर आपको ऊपर वाले फ्लोर पर ही प्लेस करना चाहिए। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपको ऊपर किचन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर रिक्वायर्ड है तो फुली फंक्शनल किचन चाहिए या फिर आपका सिर्फ मिनी किचन है, इससे भी काम चल जाएगा। टेरेस किस साइड पर होना चाहिए और उसके क्या पर्पसेस हैं, किस पर्पस के लिए आप वो बनाना चाह रहे हैं, वो भी आप पहले से डिसाइड कर लें। इवन कि आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि आपको कौन सा रूम कितना बड़ा चाहिए। कई दफ़ा ये होता है कि आप कोई रूम बड़ा बनाना चाह रहे होते हैं वो छोटा बन जाता है, कई रूम छोटा बनाना चाह रहे होते हैं वो बड़ा बन जाता है। तो पहले से आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए और आपको अपनी रूम की डायमेंशंस का भी आइडिया होना चाहिए और वो चीज़ भी आपको पहले से डिस्कस कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं रूफ टॉप कंस्ट्रक्शन की। कई जगहों पर रूफ टॉप कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती लेकिन कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन अलाउ करती हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपनी अथॉरिटी से ये कंफर्म करना है जहाँ भी आप घर बनाए जा रहे होंगे कि रूफ टॉप कंस्ट्रक्शन अलाउड है या नहीं है या कितनी लिमिटेड आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर अलाउड है तो आप रूफ टॉप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहेंगे, ये बात आपको क्लियर नहीं है तो आप मल्टीपल ऑप्शंस अपने आर्किटेक्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी ऑफ व्यूज़ के आसपास का व्यू कैसा है, इसके अलावा कितनी इजीली एक्सेसिबल है आपकी रूफटॉप आपको, एंड देन ऑब्वियसली आप अगर इन चीज़ों को माइंड में रखेंगे तो आप ज़्यादा थॉटफुल एलिमेंट्स ऐड कर सकेंगे अपने रूफटॉप कंस्ट्रक्शन के डिज़ाइन में। बिकॉज रूफटॉप एक ऐसी स्पेस है विच शुड नॉट गो वेस्ट अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड है, एंड अगर आप उसको सही से यूटिलाइज कर लेंगे तो वो भी आपकी एक फंक्शनल स्पेसेस में ऐड हो जाएगी। लेआउट और कनेक्शंस की जहाँ तक बात आ रही है तो मैं आपको ये मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि आपने अपने घर को खुद डिज़ाइन करना है, बट द पॉइंट हियर इज़ कि आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियरली अपने आर्किटेक्ट को बता देनी है। सो यहाँ पर प्लेसमेंट तो उससे मेरा मतलब ये है कि कौन सी जगह, कौन सी स्पेस आप किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। इसको आप इस तरह से भी परसीव कर सकते हैं कि लॉन का व्यू ड्राइंग रूम में आपको चाहिए या लिविंग रूम में, रीडिंग कॉर्नर या स्टडी लिविंग रूम के साथ हो या किसी खास बेडरूम के साथ अटैच्ड हो, बच्चों के प्ले एरिया को आप किचन से मॉनिटर करना चाहते हैं या किसी बेडरूम से, पाउडर रूम स्टेयर्स के नीचे आ सकता है या नहीं, प्लस सिर्फ ड्राइंग रूम के साथ अटैच चाहिए या बाकी स्पेसेस के साथ भी। अगली अहम बात यह है कि आपने अपने आर्किटेक्ट को ये बताना है कि आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं, किस एज ग्रुप के हैं, कितने आपके बच्चे हैं, कोई बेटी है बेटा है, ताकि वो उस हिसाब से घर को प्लान करें, या अगर सिर्फ आपके पेरेंट्स ने रहना है तो उस हिसाब से प्लान करें, एंड किस एज ग्रुप के हैं ये भी आपके आर्किटेक्ट को पता होना चाहिए। इसके साथ अगर घर में कोई ऐसा फर्द है जिसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी आप अपने आर्किटेक्ट को कम्युनिकेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बेटा या बेटी है जिसको जो फिटनेस फ्रीक है और जिसको बहुत शौक है कि उसके घर में ही एक मिनी जिम हो,
और उसकी सारी इंपॉर्टेंट मशीन्स उसके अंदर ही हों, तो आप अपने आर्किटेक्ट को ये बताएं ताकि आपका आर्किटेक्ट आपके लेआउट प्लान में इस चीज़ को अकोमोडेट करें आपके स्पेस को देखते हुए, और आपके घर वालों की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत से लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं, बट आई एम श्योर एवरी वन इज़ अवेयर कि हर फैमिली के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन पूरे दिन में हम एक टाइम ज़रूर ऐसा होता है जिसमें हम साथ मिल के बैठते हैं, और अगर नहीं बैठते तो हमें ज़रूर बैठना चाहिए, चाहे वो लिविंग रूम हो, ग्रैंड पेरेंट्स का बेडरूम हो, या फिर आपका किचन का ब्रेकफास्ट एरिया। यू नीड टू नो दिस बिफोर हैंड सो इस स्पेस को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया जा सके। अब थोड़ी सी बात गेस्ट और मेहमानों के ऊपर कर लेते हैं। अगर आपके घर में इस तरह का इन्वायरमेंट है कि बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दावतें होती हैं, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, तो ये चीज़ भी आप जिक्र ज़रूर करें अपने आर्किटेक्ट के साथ, ताकि कई बार ऐसा होता है कि घर में इस तरह के गेस्ट आते हैं जिनको आप घर के अंदर नहीं लाना चाहते बिकॉज आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। सो अगर आप ये पहले अपने आर्किटेक्ट को कम्युनिकेट कर देंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पोर्ट से ड्राइंग रूम का आप दरवाज़ा दे सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन तभी अगर आप राइटली अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपना लाइफस्टाइल अपने आर्किटेक्ट को कम्युनिकेट करें। नेक्स्ट बात करते हैं किचन की। यहाँ पर भी इस स्टेज पर जब आप डिस्कशन के लिए जाएंगे, सो यू डोंट नीड टू डिस्कस द डिज़ाइन और मटेरियल्स आपने क्या यूज़ करना है, लेकिन आपने अपना लाइफस्टाइल डिस्कस करना है कि आप खुद कुकिंग करते हैं या आपके पास स्टाफ हेल्प है जिसके लिए आपको डर्टी किचन के डिज़ाइन या एक्सेस पे फोकस करने की ज़रूरत है। एंड देन योर आर्किटेक्ट ऑल्सो नीड्स टू नो कि कितने लोग, अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं सो ऑब्वियसली ही और शी नीड्स टू लुक इन टू द डायमेंशन ऑफ द हाउस। तो आपने ये भी ज़रूर डिस्कस कर लेना है कि आपको बड़ा किचन चाहिए क्योंकि आपके ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं या नहीं। 11th पॉइंट इज़ लेजर एक्टिविटीज़। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट लेजर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ होती हैं, जैसे कि टीवी, जिम, गार्डनिंग, रीडिंग एंड बारबेक्यू वगैरह। हो सकता है कि आपके घर में किसी को रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो, सो वो ये चाहे कि आपके पास एक प्रॉपर स्टडी टेबल या स्टडी रूम हो। देन किसी को अगर गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो वो ये चाहेगा कि आपका लॉन का एरिया जो है वो ज़्यादा हो। सो ऑब्वियसली योर आर्किटेक्ट नीड्स टू नो द हॉबीज एंड योर लेजर एक्टिविटीज़, ताकि वो डायमेंशंस को प्रॉपरली देख सके और स्पेसेस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। एंड इवन कि अगर आपका प्लॉट साइज छोटा भी है, देन आप ये खुद से मत सोचें, हो सकता है कि आपका आर्किटेक्ट उसके लिए कोई बेहतर सोल्यूशन निकाल लें। अगर आपके पास कोई ऐसा फर्नीचर है या पेंटिंग्स हैं, आर्टवर्क है जो कि आप दोबारा से अपने नए घर में लेके जाना चाह रहे हैं, सो उसके बारे में भी ज़रूर मेंशन करें, वो अपने आर्किटेक्ट को दिखाएं ताकि वो उसको लेआउट प्लान और डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट कर सके। ऑल्दो ये स्टेप जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आता है, लेकिन कई बार जैसे फर्नीचर की अगर डायमेंशंस नहीं पता होंगी आर्किटेक्ट को, तो हो सकता है कि कमरा छोटा हो जाए या कमरा बहुत बड़ा हो जाए और फर्नीचर छोटा हो जाए। सो इस चीज़ को पहले से आपने देख लेना है। रेफरेंस इमेज, हर क्लाइंट के पास उसकी रेफरेंस इमेज होती है, और हम इंकरेज करते हैं कि क्लाइंट्स अपनी रेफरेंस इमेज शेयर करें, लेकिन आपको अपनी रेफरेंस इमेज को भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सिर्फ आपने रेफरेंस इमेज देखी है, यही कहना कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, सो यू नीड टू एक्सप्लेन दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये इमेज शेयर करते हैं, आपको स्पेसिफाई करना है कि आपको ये डिज़ाइन क्यों पसंद आया। मे बी फुल लेंथ ग्लास विंडोज़ की वजह से या डबल हाइट की वजह से। एंड देन डिस्कस कि ये फीचर आप किस स्पेस में शामिल करना चाहते हैं। इसी तरह इस इमेज के बारे में आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि मुझे ये ब्रिक टेक्सचर अच्छा लगा है और मैं लाइब्रेरी की वॉल किसी रफ टेक्सचर में चाहता हूँ। इस स्टेज पे सीलिंग की अगर बात करें, तो आपने सीलिंग का डिज़ाइन मेंशन नहीं करना कि आपको किस तरह से चाहिए, लेकिन सीलिंग की हाइट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू डिस्कस कि आपने बाद में फॉल सीलिंग करवानी है या नहीं करवानी, या कोई ऐसी स्पेस जिसमें आपको डबल हाइट रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल लिविंग रूम या एंट्रेंस फॉयर। इसी तरह अगर आपको कहीं पर स्काई लाइट रिक्वायर्ड है तो वो भी आप अभी कंसिडर करें। अगर आप ये घर इस इंटेंशन से बना रहे हैं कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है और इसमें इसको रीसेल करना है या इसको रेंट आउट करना है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू मेंशन दिस विद योर आर्किटेक्ट। इसमें आपको आर्किटेक्ट आपका बेहतर गाइड कर सकेगा कि कौन सी स्पेसेस को आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी स्पेसेस के डिज़ाइनिंग को आपको न्यूट्रल रखना चाहिए और इतना फोकस नहीं करना चाहिए, और कहाँ आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपकी रीसेल वैल्यू बढ़ सकेगी। इसी तरह अगर आपने घर रेंट पे देना है, तो यू नीड टू फोकस के
आपने एक फैमिली को देना है या आपने पोर्शन वाइज उसको रेंट आउट करना है, बिकॉज उस चीज़ में आपकी स्टेयर्स की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लास्टली, अगर आप ये देखें कि आपने ये भी पहले से अपने आर्किटेक्ट को बताना है कि आप किसी फैमिली को ही देंगे या आपने किसी ऑफिस वालों को घर देना है या किसी स्कूल वालों को देना है, ताकि वो उस हिसाब से चीज़ों को प्लान कर सके और स्पेसेस को यूटिलाइज कर सके। एक ऐसी चीज़ जिसमें कम्युनिकेशन गैप आ जाती है, दैट इज़ टाइमलाइन। आप अपने आर्किटेक्ट से पहले से पूछें, उससे कहें कि अपने डिज़ाइन को डिफरेंट फेसेस में डिवाइड करें और मेंशन करें कि कौन सी चीज़ बनाने में कितना टाइम लगेगा। कई बार हम खुद चीज़ों को एज्यूम कर रहे होते हैं कि ये हमें लग रहा होता है कि ये दो लाइनें ही तो बनानी है, लेकिन वो दो लाइनों के पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है, दैट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। सो खुद एज्यूम करने से बेहतर है कि आप अपने आर्किटेक्ट से पूछ लें। लास्टली, टाइमलाइंस के साथ साथ आप डिफरेंट सर्विसेज का पेमेंट स्केड्यूल भी फाइनलाइज कर लें, ताकि बाद में किसी भी पार्टी को बहुत ज़्यादा सरप्राइज किसी भी स्टेज पे ना मिले। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप हमारे आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।